ये नया साल शुरू होने वाला है, 2022 शुरू हो गया है। जी दोस्तों, आपका दोस्त डोगरा हाजिर है। आज मैं कोई इंटरव्यू लेके नहीं आया किसी लड़कियों के साथ, आज मैं बस दिखाऊंगा कि हम मास्को में रशिया में 2022 कैसे मना रहे हैं। तो अभी ये मेरा दोस्त आपको दिखाता है, ये नया साल शुरू होने वाला है, 2022 शुरू हो गया है। ये आप देख रहे हैं कि ये आप सुन रहे हैं कि लोग कैसे शोर मचा रहे हैं। तो अभी मेरे पीछे अभी यहाँ आतिशबाजी होगी, ये आप लोगों को आतिशबाजी का नज़ारा भी दिखाएंगे। तो आज कोई इंटरव्यू आज से डोगर लेके आया कि आपको दिखाते हैं कि हम मास्को में रशिया में 2022 कैसे मना रहे हैं। तो ये ज़रा देखें, लोगों का जोशो खरोश देखें। आज लोग जो कभी बाहर नहीं निकले थे, जिनको पास छुट्टी नहीं थी, जॉब करते थे, काम करते थे, बाहर निकलने का मौका नहीं था, आज सबको मौका मिला है। और एक और बात बता दूं आपको मैं, आज मास्को में फ्री ट्रांसपोर्ट है, मेट्रो बस हर चीज़ फ्री है, कोई किराया नहीं लिया जाता, हर चीज़ फ्री है। इसलिए शायद ये सब लोग आ गए हैं, अगर शायद पे होती। ये शुरू हो गया जी, 2022 शुरू हो गया मास्को में रशिया में जी, नया साल सब दोस्तों को मुबारक हो। ये देखें जी, 2022 शुरू हो गया है, ये हम मास्को में रशिया 2022 को वेलकम कर रहे हैं, और 2021 को जो है हम जो है बाय बाय कह रहे हैं। तो ये दोस्तों आपके सामने देख रहे हैं कि मास्को में रशिया के कैपिटल में हम 2022 को वेलकम कह रहे हैं और 2021 को बाय बाय कह रहे हैं। लो जी, मास्को में रशिया में 2021 जो क्या कहते हैं कि टाइम है स्टार्ट हो गया है। ये आपके सामने आतिशबाजी हो रही है, ये रेड स्क्वायर है, मास्को का कैपिटल है, जहां यहां का प्रेसिडेंट बैठता है। वहां हर साल जो है ना, पहले क्या नाम है, प्रेसिडेंट जो है पुतिन साहब, वो तकरीर करते हैं, उसकी तकरीर ख़त्म होने के फौरन बाद ये आतिशबाजी होती है। ये ज़रा मेरा दोस्त आपको दिखा दे कितनी दुनिया यहाँ, ज़रा कैमरा घुमा के दिखाएं जी, कितनी दुनिया, कितने लोग इकट्ठे हुए हैं, ये देखें जी, बहुत ही ज़्यादा लोग आज इकट्ठे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा लोग आज इकट्ठे हुए हैं। तो आज जो है ना, रशिया की सबसे बड़ी जो होती है ना, वो हॉलीडेज़ होती हैं, वो रशिया के सबसे ज़्यादा जो छुट्टियां मनाने वाले हॉलीडेज़ डे होते हैं, वो होता है नया साल की छुट्टियां, न्यू ईयर की हॉलीडेज़ होते हैं 10 डे, 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक ये लोग जो है छुट्टियाँ करते हैं, कोई काम नहीं करते, सिर्फ घरों में बैठ कर इंजॉय करते हैं, बस खाते पीते हैं। तो मेरी तरफ से सब दोस्तों को हैप्पी न्यू ईयर 2022, सेम द्रुजिया सनोव गोदम ओम गो द्रुजिया, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर 2022।